बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अरीबा फातिमा एंड यू आर वॉचिंग न्यू बीएस सिलेबस। टुडे वी विल डिस्कस अ टॉपिक फ्रॉम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशनल एंड ट्रांसलेशनल स्किल्स, द कोर्स कोड EWRT 102। द टॉपिक ऑफ अ टुडेज डिस्कशन इज लिटरेरी वर्सेज नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही टेक्निकल सा टॉपिक है, सो इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा और समझिएगा। सो फर्स्ट वन जो कंपैरिजन में हमारे पास चीज़ आती है, दिस इज़ द डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन लिटरेरी ट्रांसलेशन जो है, इट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लिटरेचर। जितना भी लिटरेचर है, अगर आप उसकी ट्रांसलेशन को स्टडी कर रहे हैं या उसकी ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं या वो आपके अंडर डिस्कशन है, तो वो आपका लिटरेरी ट्रांसलेशन की कैटेगरी में आएगा। देन कम्स द नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन, विच इज़ कि जब आप किसी भी किस्म के सॉर्ट ऑफ डाटा या टेक्स्ट जिसमें फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, या एक बहुत ही रिजिड, कॉन्क्रीट, कॉम्पैक्ट और फैक्ट बेस्ड चीज़ें जिसमें मौजूद हैं, अगर आप उस चीज़ की ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ऐसा कोई पेपर, ऐसा कोई टेक्स्ट आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो आपका नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन में आएगा। देन कम्स दैट लिटरेरी ट्रांसलेशन ट्रांसलेट्स द आइडियाज़। जितने भी आइडियाज़ हैं इसमें, वो ट्रांसलेट किए जाते हैं, वर्ड्स को खातिर में नहीं लाया जाता और आइडिया पे मेन फोकस किया जाता है। सो इसमें जो एक मोड ऑफ ट्रांसलेशन है जिसे इन्वॉल्व किया जाता है, इट इज़ द फ्री ट्रांसलेशन, जिसमें जस्ट आइडिया टू आइडिया ट्रांसलेशन होती है। देन कम्स द नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन, विच इज़ दैट इसमें फैक्ट्स को, स्टैट्स को, फिगर्स को ट्रांसलेट किया जाता है। सो इनको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना पड़ता है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना आसान भी होता है और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किए बगैर गुजारा भी नहीं होता। सो ये लिटरल मोड ऑफ ट्रांसलेशन को इन्वॉल्व करती है, जिसमें हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इन्वॉल्व करते हैं। देन कम्स दैट जो लिटरेरी ट्रांसलेशन है, क्योंकि ये लिटरेचर की ट्रांसलेशन होती है, सो इट फोकसेस मोर ऑन द ब्यूटी ऑफ द टेक्स्ट फॉर द नेचुरल और द सोल, जिसे हम स्पिरिचुअल भी कहते हैं, या नेचर की ब्यूटी, या स्पिरिचुअल ब्यूटी, या फिजिकल या मेटाफिजिकल, यानी ये ब्यूटी और एस्थेटिकनेस पे ज़्यादा तवज्जो देती है। कौन सी वाली? जो लिटरेरी ट्रांसलेशन है। और जो नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन है, इसमें हम लोग रियलिटी को ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइक द रियलिटी ऑफ सराउंडिंग्स, द लाइक रियलिटी ऑफ द हैपनिंग्स अराउंड अस, रियलिटी ऑफ फिजिकल थिंग्स और कंक्रीट। तो जो लिटरेरी ट्रांसलेशन है वो ब्यूटी को फोकस करती है, और जो नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन है, इट फोकसेस ऑन द रियलिटी। देन कम्स दैट जो लिटरेरी ट्रांसलेशन है वो स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा उस पर बेस कर रही होती है, उसको फोकस कर रही होती है, एंड स्पिरिचुअल फीलिंग्स और इमोशंस इसके अंदर ज़्यादा नज़र आते हैं, और उन्हीं को फोकस करना होता है और उन्हीं को बेस बना के इस ट्रांसलेशन को प्रोसीड किया जाता है। और जो नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द सेंसेस। 5 सेंसेस होती हैं: टच, हियरिंग, स्मेल, विजन और टेस्ट। तो जितनी भी सराउंडिंग में हैपनिंग्स होती हैं, या जितने भी हम लोग स्टैट्स को कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स को, फिगर्स को कलेक्ट करते हैं, तो वो इन 5 सेंसेस है, प्लस द लॉजिकल थिंकिंग, इन चीज़ों के साथ जो है वो इसको बेस बना के सेंसेस को, तो फिर नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन की जाती है। फिर ये एक डिपिक्शन है विजुअल्स के साथ के लिटरेरी ट्रांसलेशन जो है, इट वर्क्स ऑन द इमेजिनेशन, और जो नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन है, इट वर्क्स विद द सेंसेस। इमेजिनेशन दैट इज़ द क्रिएटिविटी, और ये विद द हेल्प ऑफ माइंड होती है। और जो हमारे पास नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन है, इसमें हमारे पास जैसे टच के लिए स्किन का ऑर्गन यूज़ होता है, नोज़ फॉर स्मेल, ईयर फॉर हियरिंग, आई फॉर द विजन एंड टंग फॉर द टेस्ट। तो इन सेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। देन कम्स अ कंपेरिजन, जिसमें हम लोग इनकी थोड़ी टेक्निकलिटीज़ को देख लेते हैं, कि जो लिटरेरी ट्रांसलेशन है ये ज़्यादातर मेटाफिजिकल होती है, बिकॉज इसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो ये कंक्रीट नहीं हो सकती है, इट इज़ ऑलवेज और मोर ऑफन मेटाफिजिकल। एंड जो नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन है, इट इज़ कॉन्क्रीट, ये रिजिड होती है, कॉन्क्रीट होती है और ये फिजिकल होती है। देन जो लिटरेरी ट्रांसलेशन है, इसमें इमेजिनेशन और लिटरेरी क्रिएशन
और जो क्रिएटिविटी है इसका ज़्यादा रोल होता है, और इसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन को देखें तो इसमें जस्ट लॉजिक की ज़रूरत होती है, द लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत होती है। फिर लिटरेरी ट्रांसलेशन में अगर देखा जाए तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास दैट इट डिपेंड्स अपॉन द लिटरेरी लिटरेसी ऑफ द क्रिएटर एंड द ट्रांसलेटर। यानी क्रिएटर हो जो ऑथर है, अगर लिटरेरी वर्क क्रिएट कर रहा है तो उसके पास भी लिटरेरी लिटरेसी का होना ज़रूरी है, और जो ट्रांसलेटर है जो उसे उस लिटरेरी वर्क को ट्रांसलेट कर रहा है तो उसके पास ऑथर से भी ज़्यादा लिटरेरी लिटरेसी का होना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जो ऑथर है वो तो उसे एक लैंग्वेज में कर रहा है, लेकिन जो ट्रांसलेटर है उसने उसे ट्रांसलेट भी करना है, और उसकी जो ओरिजिनल ब्यूटी और उसके ओरिजिनल एस्थेटिक्स हैं उन्हें भी बरकरार रखना है। सो उसकी लिटरेरी लिटरेसी यानी जो उसके पास एक लिटरेचर का फ़न है वो ज़्यादा होना चाहिए, लिटरेचर का इल्म उसके पास ज़्यादा होना चाहिए, तभी लिटरेरी ट्रांसलेशन जो है वो अच्छी तरह से की जा सकती है और इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी बनाई जा सकती है। और अगर नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन को देखा जाए तो इसमें लिटरेरी लिटरेसी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जस्ट क्योंकि इसमें लॉजिक पे काम कर रहे होते हैं तो इसके स्टैट्स और फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, तो इसको जस्ट लिटरेसी होनी चाहिए अबाउट द एनवायरनमेंट सो दैट इट इज़ ईजी टू प्रूव और ईजी टू जज। आई होप आप लोगों को इन डिफरेंसेस की समझ आ गई होगी। एक डिफरेंस इसका और है जो कि ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज हैं, कि लिटरेरी टेक्स्ट को हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं और जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है उसको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जिन चीज़ों को मेन फोकस करते हैं कि जो लिटरेरी टेक्स्ट है उसमें जो मूड और एटमोसफेयर है ऑफ द टेक्स्ट उसको बरकरार रखना, उसकी आइडियोलॉजी को बरकरार रखना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके एक्सप्रेशंस को बरकरार रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम लोग यही बात नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन के हवाले से करें तो उसमें उसके जो फैक्ट्स होते हैं, उसकी जो एक्यूरेसी होती है, उसकी जो एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है, उसकी एक डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी जो एक लॉजिकल थिंकिंग होती है, उसकी जो वैल्यूज़ और उसकी आर्ट्स में अगर फोकस किया जाए तो इन चीज़ों को ज़्यादा रिजिडली हमें देखना पड़ता है। और फिर इसी तरह से ये जो नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन है ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल होती है, जबकि जो लिटरेरी ट्रांसलेशन है ये इमेजिनेटिव होती है, इट वर्क्स ऑन द इमोशंस। सो आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।